नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक बेहद ही रोमांचक विषय लेकर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह हमेशा से ही लोगों को रोमांचित करने वाली चीज है। जी हां, आज हम बात करेंगे भारत की 10 सबसे डरावनी जगहों के बारे में। भूत प्रेत की कहानियां हमेशा से ही लोगों को रोमांचित करती रही हैं। क्या भूत वास्तविकता में होते हैं या सिर्फ डरावनी जगह की बातें हैं? एक और जगह वैज्ञानिक आत्मा और भूत आदमी को महज इंसानी दिमाग की उपज और भ्रम बताते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेत की बातों और अनुभवों को दावों के साथ पेश करते हैं। कई डॉक्यूमेंट्रीज और डिस्कवरी चैनल पर आने वाले हॉन्टेड आदि कार्यक्रम में भी पैरालौकिक जीवन के दावों को सच करते दिखते हैं। भारत में कुछ ऐसी डरावनी जगहें भी हैं जो पैरालौकिक घटनाओं और गतिविधियों के लिए जानी जाती हैं। भारत में कई ऐसी जगहें जहां हकीकत में भूत देखे जाने को लोग लगभग सच मानते हैं। आइए जानते हैं भारत की सबसे डरावनी जगहों के बारे में। नंबर 1, भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। भारत ने भी पर्यटकों को यहां अंधेरा होने से पहले चले जाने की चेतावनी जारी कर रखी है। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में इसी शहर में रहने वाले एक जादूगर को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था, जिस पर तांत्रिक ने काला जादू कर दिया था। इसके बाद राजकुमारी को अपने वश में करके तांत्रिक ने उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन एक घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जादूगर के मरते वक्त भानगढ़ के किले को जो श्राप दिया गया कि जल्दी ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, और श्राप के बाद इस किले में रहने वाले लोगों की मृत्यु हो गई और उनकी आत्मा इस किले के अंदर आज भी भ्रमण करती है। नंबर 2, सैफरन बीपीओ, दिल्ली की सबसे भूता जगह। कब्रिस्तान के ऊपर बना गुड़गांव का सैफरन कॉल सेंटर गुड़गांव की सबसे भूता जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि इस बीपीओ में रोज नाम की समयनिष्ठ और मेहनती लड़की काम करती थी। वह कई महीने तक लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब जीतती रही। एक दिन अचानक फोन पर बहुत लंबी बातचीत करने के बाद उसने लंबी छुट्टी ले ली, जो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती चली गई। उसके सहकर्मियों ने उसके मकान मालिक से बात की तो पता चला कि वहां इस नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं थी। बहुत खोजबीन के बाद उसके परिवार को ढूंढा गया, जिन्होंने बताया कि रोज 8 साल पहले मर चुकी थी। उसके दोस्त और सहकर्मी महीनों तक सदमे और दहशत की स्थिति में रहे, और अभी तक यह एक राज ही है। नंबर 3, जतिंगा घाटी, असम। असम में जतिंगा घाटी बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य वाली है, लेकिन सितंबर के महीने में हर अमावस रात को यहां भारी संख्या में रहस्यमय रूप से पक्षी मर जाते हैं। ये पक्षी प्रवासी होते हैं, लेकिन यहां से कभी वापस नहीं जाते हैं। इन पक्षियों के यहां आकर मरने के पीछे क्या रहस्य छिपा है आज तक किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन ऐसा होता जरूर है। नंबर 4, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि भूतों को सिर्फ खंडर ही रास आते हैं, तो आपको रामोजी फिल्म सिटी के बारे में जानना होगा। रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूतों का निवास माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह फिल्म सिटी उस जगह पर बनी है जहां पर कभी हैदराबाद के निजाम की सेना ने विरोधियों की सेना से दो दो हाथ किए थे। इस युद्ध में काफी सैनिक मारे गए थे, जिन्हें यहीं दफना दिया गया था। कहा जाता है कि यहां उनकी आत्मा आज भी भटकती है। मृत सैनिक यहां आने वाले लोगों को बहुत परेशान करते हैं। नंबर 5, कुलधरा गांव, जैसलमेर। राजस्थान का यह गांव पिछले 170 साल से अधिक सालों से वीरान पड़ा हुआ है। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। एक बार एक मंत्री गांव की सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उस मंत्री ने उनका लगान दोगुना कर दिया, जिससे गांव वालों ने वह जगह छोड़ दी और तब से यहां कोई नहीं रहता। सालों से वीरान पड़ा यह गांव खंडर बन चुका है। यहां आने वाले टूरिस्ट का कहना है कि यहां गांव वासियों को आज भी महसूस किया जाता है। यहां भी सूर्यास्त के बाद जाना मना है। नंबर 6, ट्रिकिंग्स चर्च, गोवा। गोवा के इस चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है। यहां के लोगों के अनुसार यहां रहने वाले 3 राजाओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई होती रहती थी।
एक बार होलगेर नाम के एक राजा ने अपने दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। अब लोगों को होलगेर की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से ही इस चर्च में भूतों का निवास माना जाता है। नंबर 7, सवाय होटल मसूरी। सन 1910 अंग्रेजी शासनकाल में इस होटल में एक ब्रिटिश लड़की की हत्या की गई थी, जिसकी आत्मा आज भी अपने हत्यारे को ढूंढ रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़ा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे उसी लड़की लेडी आर्म का हाथ है। नंबर 8, राजकिरण होटल मुंबई। राजकिरण होटल के ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे में ठहरने वालों की शिकायत की रात को उनकी कोई चादर खींचता है तो कोई उन्हें मार के जगाता है। इस कमरे की शुरुआती खामोशी आपको डराने के लिए काफी है। इस होटल के ग्राउंड फ्लोर में कई सारी अजीबोगरीब हरकतें होती हैं जो इस जगह को बेहद डरावना बनाती हैं। नंबर 9, मेरठ का जीपी ब्लॉक। यूपी के मेरठ में जीपी ब्लॉक स्थित एक घर को कई लड़के लड़कियों के भूत का निवास स्थल माना जाता है। मेरठ के भूत बंगले को लेकर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह बंगला गंगानगर के जीपी ब्लॉक में है। नंबर 10, बड़ोग सुरंग। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर बड़ोग ने करवाया था, इसलिए इसे बड़ोग सुरंग भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि इस सुरंग को बनाने वाले अंग्रेज इंचार्ज बड़ोग ने एक बड़ी भूल कर दी। एक ही बार में दोनों ओर से सुरंग बनाने का कार्य शुरू किया गया। अंदाजे की भूल से इस सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, उसके कारण उन पर ₹1 जुर्माना किया गया। अपने इस चूक से वह इतने दुखी हुए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के साथ सैर पर जाते हुए स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आज भी इसमें उस अंग्रेज इंजीनियर की रूह भटकती है। लोगों के सुरंग में जाने से रोकने के लिए बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है। आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।